हम सभी ने टीवी पर डिस्कवरी चैनल तो देखा ही है जिसके थ्रू हमें वाइल्ड लाइफ के बारे में काफी कुछ पता चलता है बट इफ यू वॉन्ट टू सी दिस वाइल्ड लाइफ इन रियल लाइफ एंड स्पेशली टाइगर देन रंथम इज द प्लेस फॉर यू अफकोर्स टाइगर देखना इज नॉट ए कप ऑफ टी तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि रंथम में टाइगर देखने की हाई चांसेस कहाँ हैं और साथ ही हाउ यू कैन एक्सप्लोर रंथम इन जस्ट थ्री डेज थ्रू दिस वीकेंड आइडनरी तो चलो शुरू करते हैं रंथमपुर जाने का सबसे इजी तरीका है बाय ट्रेन बट अगर आप दिल्ली से जा रहे हो तो आप बाय रोड अपने पर्सनल व्हीकल से भी जा सकते हो इट विल टेक यू अराउंड सिक्स आर टू रीच देयर अगर पर्सनल व्हीकल से जा रहे हो तो आई सजेस्ट कि आप अर्ली मॉर्निंग ही निकलो सो so डैट आप वहां टाइम से पहुंच जाओगे और यू कैन विजिट सम प्लेसेस आफ्टर यू रीच देयर वहां पहुंचकर आप पहले थोड़ा रेस्ट कर सकते हो एंड आफ्टर दैट यू कैन स्टार्ट योर डे वन बाय गोइंग टू रंथमपुर फोर्ट ध्यान रहे इस फोर्ट की एंट्री सिर्फ शाम के पाँच बजे तक ही होती है तो आप उससे पहले ही वहाँ पहुँच जाए रंथमपुर फोर्ट घूमने में आपको आराम से दो घंटे लग सकते हैं वो भी विद गाइड गाइड के बिना शायद और भी ज़्यादा लग जाए एंड वेट गाइड विल चार्ज यू अराउंड रुपीज सिक्स फिफ्टी और आप बार्गिन भी कर सकते हो रंथमपुर फोर्ट अपने मैग्निफिशेंट आर्किटेक्चर के लिए जाना जाता है और यही एक रीज़न भी है कि ये राजस्थान के दूसरे फोर्ट से अलग है और एक समय पर इस पर बहुत से राजा राज करना चाहते थे इस फोर्ट के टॉप पर ही गणेश जी का एक छोटा सा मंदिर है जिसके पास ही लोग छोटे छोटे पत्थरों से घर बनाते हैं ताकि उनकी मांगी हुई विश पूरी हो जाए ऐसा यहाँ माना जाता है ट की कोई एंट्री फीस नहीं है बट यहाँ आपको पार्किंग के ट्वेंटी रुपीज चार्जेस देने पड़ेंगे आखिर में यू कैन एंड योर डे बाई इंजॉइंग राजस्थानी कल्चर प्रोग्राम एट योर होटल डे टू में हमें करनी थी जंगल सफारी जिसके लिए लोग मेनली रंथम आते हैं जंगल सफारी दो स्लॉट में होती है एक होती है मॉर्निंग में 6:30 थर्टी एम से टेन ए एम तक और दूसरी होती है आफ्टरनून में 2:30 थर्टी पी एम से सिक्स पी एम तक अगर आपका आफ्टरनून वाला स्लॉट है तो आप जंगल सफारी से पहले रंथम म्यूजियम जा सकते हो इट इज ओपन फ्रॉम 6 ए एम टू टेन पी एम और अगर आपका मॉर्निंग स्लॉट है तो आप इवनिंग में भी ये म्यूजियम जा सकते हो क्योंकि इट इज ओपन फ्रॉम 6 एम टू टेन पी एम एंड द एंट्री इज फ्री इसके बाद यू कैन गो टू जंगल सफारी इन द आफ्टरनून स्लॉट बट ऑफकोर्स वहां जाने से पहले आपको वहां की जरूरी डिटेल्स पता होनी चाहिए पहला ये कि आप वहां दो तरीके से जा सकते हो फर्स्ट इज बाई जिप्सीडर मक जिप्सी में ड्राइवर को मिलाकर मैक्सिम एट लोग सफारी में आपको booking महीनों पहले करवा के रखनी पड़ती है अब बात करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो सब वेट कर रहे थे कि टाइगर मिलने के चांसेस ज्यादा कहाँ है ये कैसे पता लगाएं. इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि जंगल सफारी में जोन को कैसे बांटा हुआ है जोन यहाँ पे एक से टेन तक होते हैं सिक्स से टेन जोन इज नॉट बेस्ट फॉर टाइगर स्पॉटिंग बट वन टू फाइव जोन इज द बेस्ट फॉर टाइगर स्पॉटिंग डू यू नो कि फर्स्ट टू फिफ्थ जोन को टाइगर स्पॉटिंग के लिए बेस्ट क्यों बोला जाता है क्योंकि पहले तो ये जोन लेक के पास होते हैं एंड टाइगर यहाँ पानी पीने आते हैं जिससे इसके टाइगर स्पॉटिंग के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं नेक्स्ट आप ये सोच रहे होंगे कि वन टू फाइव में से कौन सा जोन बेस्ट होगा तो हां टॉप में आता है थर्ड जोन जो कि सबसे बेस्ट है वहां टाइगर के मिलने के चांसेस बाकी सारे जोन से काफी ज्यादा होते हैं और ये जोन सीनरी ब्यूटी के लिए भी बेस्ट है आपने जो भी डिस्कवरी चैनल्स की शूटिंग देखी होगी वो यहीं पर की जाती है बेस्ट प्लेस की तो बात कर ली बट बेस्ट टाइम टू स्पॉट टाइगर ये टाइम होता है समर के टाइम का जो मे के शुरुआत से मिड ऑफ जून तक चलता है नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट अगर आप सुबह जा रहे हो तो बोला जाता है कि आपको टाइगर चलते हुए ही पाया जाएगा एंड अगर आपको स्लॉट आफ्टरनून वाला मिला है तो वो टाइगर बैठे हुए पाए जाते हैं तो आप अपनी पैनी नजर तेज रखें ताकि आप टाइगर स्पॉट कर पाए अब बात करते हैं कि सबसे वर्स्ट जोन की जो कि नाइंथ जोन माना जाता है बिकॉज उसका आधा टाइम उस जोन की एंट्री गेट तक पहुंचने में लग जाता है एंड आप अंदर बहुत कम टाइम एक्सप्लोर कर पाते हो लेकिन वेट अब आप सोच रहे लोगे हर कोई थर्ड जोन ही मांगेगा बट हर जोन को सेलेक्ट करने की चॉइस आपके हाथ में नहीं है यू हैव टू डू ऑनलाइन बुकिंग ऑफ जंगल सफारी जिसमें आपको बस ये चूज करने को मिलेगा कि आपको फर्स्ट से फिफ्थ जोन के बीच में जाना है या सिक्स टू टेंथ के बीच में जाना है एंड जब आप पेमेंट कर दोगे देन दे विल गिव यू द जोन अकॉर्डिंगली बट अगर लकीली यू गेट द जोन बिटवीन फर्स्ट टू फिफ्थ देन मेक श्योर उस जोन में जिप्सी या कैंटर से उतरना मना है एज इट इज वेरी रिस्की कभी कभी लोग एक सफारी में टाइगर स्पॉट नहीं कर पाते तो लोग पहले ही एडवांस में फाइव टू सिक्स सफारी बुक करते हैं वाइल गोइंग टू रंथम्बो लास्ट इज टू रीच ऑन टाइम फॉर द सफारी अगर आपकी सफारी टू थर्टी पी एम पे शुरू है तो यू हैव टू रीच बाय टू पी एम क्योंकि ड्राइवर विल वेट ओनली फॉर ट्वेंटी मिनट इसके बाद यू कैन गो टू रंथम्बोर स्कूल ऑफ आर्ट जहाँ पर यू कैन सी एंड बाय द ब्यूटिफुल पेंटिंग्स मेड बाय द स्टूडेंट हु आर लर्निंग पेंटिंग देयर आप जो भी उस पेंटिंग के लिए पे करोगे उसका 20 परसेंट अमाउंट ही सिर्फ स्कूल के पास जाता है एंड 80 परसेंट अमाउंट स्टूडेंट को जाता है इसी के पास देयर इज अ फूड कोर्ट जिसका नाम है रंथम बोर चौपाटी जहाँ पर यू कैन ईट मल्टीपल कुजींस देयर इज अ गेम जोन एज वेल जहाँ पर यू कैन प्ले फन गेम्स एंड इंजॉय तो अब चलते हैं थर्ड डे जो कि हमारा लास्ट डे है अगर आप चाहो तो जंगल सफारी भी दोबारा कर सकते हो बाय आस्किंग अबाउट द टिकट्स एट योर होटल इसके बाद लंच करके यू कैन गो फॉर क्रोकोडाइल सफारी एट चंबल चिंता मत करो तुम्हें वहाँ चंबल के डाकू नहीं मिलेंगे जा। जा। हमें जाने नहीं दे <laughs> बढ़िया था गुरु द बेस्ट टाइम टू स्पॉट क्रोकोडाइल्स एंड एलिगेटर इन क्रोकोडाइल सफारी इज फ्रॉम 8 ए एम टू टेन ए एम इन समर्स क्योंकि दोपहर के धूप की वजह से जब हम इंसान जल जाते हैं तो क्रोकोडाइल क्यों बाहर निकलेंगे बोटिंग टाइम इज फ्रॉम 8 ए एम टू फाइव पी एम ये बोटिंग का ड्यूरेशन टाइम रहता है 45 फाइव मिनट से वन आवर के बीच में Now let's talk about the places where you can eat in Ranthambore. First is Ranthambore chopati that I have mentioned earlier. Second is Fateh Cafe which celebrate the food that Fateh Singh Rathore cooked and enjoyed. Fateh Singh Rathore ko Tiger Man of Ranthambore bhi kaha jata tha, as he fought tirelessly to save the tigers in Ranthambore until he passed away in 2011. Fateh ji's फूड वॉज ऑलवेज सिंपल बट इट हैज ए लॉट ऑफ वराइटीज और इस कैफे में खाने में उसी टेस्ट को रिकैप्चर किया जाता था लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज एरिया टी सिक्सटीन कैफे जहाँ पर आप एक बहुत ही सुंदर टॉप व्यू एम्बियंस पर अपना खाना इंजॉय कर सकते हो फॉर मोर अमेजिंग आइटनरी लाइक दिस सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड क्लिक द बेल आइकन टू गेट ऑल द अपडेट तब तक के लिए बाय बाय टाटा शब्बा खैर